गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चौधरी कमला। इन योर सिक्स स्टैंडर्ड मैथ सब्जेक्ट यू ऑलरेडी स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। इन दैट इन अवर प्रीवियस वीडियोज वी ऑलरेडी फिनिश्ड अप टू अवर पार्ट 6। नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू पार्ट, पार्ट 7 ऑफ चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। इन दैट न्यू एक्सरसाइज टुडे वी हैव टू स्टार्ट, दैट वन इज एक्सरसाइज 7.5। इन अवर प्रीवियस वीडियोज वी ऑलरेडी फिनिश्ड अप टू अवर एक्सरसाइज 7.4। Now in that question number 1. So in exercise 7.5, first question is that you have to given here, write these fractions appropriately as additions or subtractions. So here you have to given this figure. So you have to put down only plus or minus sign. Means jisme jo sign possible hai, wo sign aapko idhar put up karni hai. So now first in that you have to given whatever figure you have to given, तो first of all you have to convert it in fraction form. So इधर आपको first of all जो भी आपको दिया है ये blank है, इसमें आपको plus या तो addition या subtraction के sign रखनी है। So जो भी figure दी है उसको पहले हम क्या करेंगे, उसको fraction form में convert करेंगे। तो इधर total कितनी number of boxes है, तो 1, 2, 3, 4, 5। Same here 1, 2, 3, 4, 5। Same here 1, 2, 3, 4, 5। तो ये में आपको denominator में क्या मिलेगा, सब में 5 मिलेगा, इक्वल टू के इस साइड भी क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। नाउ इधर आपको ऊपर क्या दिया है, तो टोटल जितने शेड किए वो ऊपर आएंगे। तो फर्स्ट में आपको 1 ओनली शेड किया है, सेकंड में 2 शेड किए हैं, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको कितने दिए हैं, 3 शेड किए हुए हैं। डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर का क्या होता है, प्लस या तो माइनस। तो इधर 3 कब मिलेगा, जब 1 और 2 का आप एडिशन करोगे, तभी आपको क्या मिलेगा, ये 3 मिलेगा। तो आपको आंसर में क्या लिखोगे, इधर प्लस। मीन्स दिस वे यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट कैसे आपको लिखना है, जैसे मैं आपको समझा देती हूँ टेक्स्ट बुक में। सो इन फर्स्ट इन दैट ए नंबर 1/5 ब्लैंक में आपका ये आंसर है, तो आप ऐसे ब्लैंक ड्रॉ कर सकते हो। एंड हियर यू हैव टू गिवन 2.5 इज इक्वल टू 3.5। विदाउट फिगर यू कैन ऑल्सो राइट एट हियर, इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रो दिस फिगर सो यू कैन ड्रो। इन दैट सेकेंड नंबर, सेकेंड में आप देखो फर्स्ट फिगर में बी नंबर, मीन्स इन दैट टोटल कितने पार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5। तो सेकेंड में भी देख लो 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी राइट हैंड साइड 1, 2, 3, 4, 5। सब में देखो डिनोमिनेटर क्या है, 5। तो तीनों जगह पे डिनोमिनेटर 5 लिख दो। देन आफ्टर फर्स्ट में शेड किया हुआ 5 में से 5 शेड किए हैं, इधर कितने शेड किए, 1, 2 और 3 ओनली, और आंसर में राइट हैंड साइड 1 और 2 ओनली। तो ये दोनों के बीच में आप क्या करोगे, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ओनली न्यूमिनेटर का क्या करोगे, प्लस या माइनस। तो ब्लैंक में क्या आएगा, तो 5 में से 3 माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तभी आपको 2 मिलेगा, क्योंकि 5 + 3 तो 8 हो जाएगा। फिर आंसर में हमें क्या दिया है, 2 दिया है। दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस सी नंबर ऑल्सो, जिसमें आपको अपने आप डिसाइड करना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। नाउ सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, इन दैट यू हैव टू गिवन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है, सॉल्व। नाउ इन दैट ए, क्वेश्चन नंबर 2 इट्स ए, ए में आपको दिया है 1/18 प्लस 1/18। सो ए नंबर 1/18 प्लस 1/18, सो इज इक्वल टू, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होता है वहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया अभी आपको कि न्यूमिनेटर का अगर ऊपर ऊपर का प्लस है तो प्लस करना है, माइनस बीच में दिया है तो माइनस करना है। तो इधर देखो डिनोमिनेटर सेम है तो उसको 1 टाइम लिख दो, अभी ऊपर क्या दिया है, तो 1 और 1, तो दोनों के बीच में प्लस है तो 1 + 1, तो 1 + 1 कितना होगा, 2 2/18। अभी इधर कुछ पॉसिबल है, कट होता है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इसको लिख देना है, जैसे कि 9 2 = 18। जब आंसर मिले उसके बाद आपको कट करना है, पहले से कट नहीं करना है, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और डिनोमिनेटर में 9। वैसे ही बी नंबर में आपको इधर क्या दिया है, सो 8/15 प्लस 3/15, 8/15 प्लस 3/15। डिनोमिनेटर सेम है तो उसको 1 टाइम लिखो, और ऊपर ऊपर जितने भी नंबर दिए सबका प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करो। तो प्लस दिया था तो 8 + 3 किया, तो 8 + 3 कितना मिलेगा, 11, तो 11/15। इधर कुछ कट पॉसिबल नहीं है, कुछ कैंसिल नहीं होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सो दिस वन इज योर आंसर। देन आफ्टर सी नंबर,
सी नंबर में आपको दिया है 7/7 - 5/7, सो इधर देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम दिया है 7 और 7, तो 1 टाइम लिखो, और ऊपर जो उतने भी नंबर है उसका सब्ट्रैक्शन है बीच में, तो सब्ट्रैक्शन करो, तो 7 - 5/7 तो क्या मिलेगा, 7 - 5 - 2/7, कुछ डिनोमिनेटर में मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कट नहीं होगा, सो दिस वन इज़ योर आंसर. नाउ यूजिंग दिस सेम मेथड, डी नंबर, ई नंबर, एफ नंबर एंड यस अप टू एफ एंड एच नंबर, कौन से तो डी ई एफ एंड एच यू हैव टू सॉल्व इन योर होमवर्क. नाउ जी नंबर एंड आई नंबर में करवाती हूँ, तो जी नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, जी में आपको दिया है 1 - 2/3, बट 1 = क्या दिया है, 3/3, वो ब्रैकेट में दिया है, तो उसका आपको यूज़ करना है, क्योंकि 3/3 का मीनिंग क्या है, 3/3 करो तो आंसर क्या मिलता है, 1, तो 1 की जगह पे आप 3/3 लिख सकते हो. तो जी नंबर का पहले हम सॉल्व करते हैं, इधर 1 - 2/3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ब्रैकेट में दिया है तो 1 की जगह पे लिखो 3/3 - 2/3. नाउ 3 - 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 3 - 2 क्या मिलेगा, 1/3. देन आफ्टर आई नंबर 1/3 इज योर आंसर, क्योंकि अभी आगे कुछ कट नहीं होगा. इसके बाद आई नंबर आपको क्या दिया है, 3 - 12/5. तो ऐसे एग्जांपल में आप क्या करोगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या तो फिर एलसीएम निकाल सकते हो. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर इजी है, क्योंकि 1 और 5 दोनों डिनोमिनेटर्स में स्मॉल नंबर है, तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 - 5 = 15, 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 12 - 1 = 12 एंड 1 - 5 = 5. या तो एलसीएम निकालो, तो 1 और 5 का एलसीएम क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, इधर 1 है ओनली, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करो, तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा. नाउ 15 - 12 तो कितना मिलेगा, 3, एंड डिनोमिनेटर में 5 ओनली, सो आंसर क्या मिला आपको इधर, 3/5. नाउ हियर योर क्वेश्चन नंबर 2 इज फिनिश्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, इन दैट यू हैव टू गिवन शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम. शुभम ने अपने रूम में 2/3 वॉल का जो पार्ट था, स्पेस थी, वो उसने कलर की मीन्स पेंट की है. हिज सिस्टर माधवी हेल्प एंड पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस. उसके सिस्टर माधवी ने उसको हेल्प की और उसने कितना पोर्शन को कलर किया, पेंट किया, 1/3 पोर्शन को. देन हाउ मच डिड दे पेंट टूगेदर, तो दोनों ने मिलके कितना पोर्शन मीन्स कवर किया वॉल का. सो टोटल पेंटेड इज इक्वल टू जो शुभम ने किया था, कितना किया था, 2/3, और प्लस माधवी ने कितना पोर्शन किया है, 1/3. डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिखो, ऊपर जितने भी नंबर है उसका प्लस माइनस जो भी होता है, तो 2 + 1/3, तो 2 + 1 कितने होंगे, 3/3, तो 3/3 का मीनिंग हम क्या ले सकते हैं, 1. तो इन्होंने 1 मीन्स उसका मीनिंग क्या हुआ, उन्होंने कम्प्लीटली वॉल को क्या कर लिया है, पेंट कर लिया है. सो हमें अभी आंसर में इधर क्या लिखेंगे, दे पेंटेड द कम्प्लीटली वॉल, क्योंकि पूरा 1 मीन्स ये पूरी जो वॉल है वो उन्होंने कवर कर लिए, जो उसके टोटल 3 पार्ट किए थे उसमें से 2 पार्ट शुभम ने पेंट किए और 1 पार्ट माधवी ने किया, तो टोटल 3 पार्ट उन्होंने क्या कर लिए, पेंट कर दिए हैं. देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिवन 7/10 माइनस, हियर यू हैव टू गिवन बॉक्स इज इक्वल टू 3/10. तो इधर 7 - कौन सा नंबर करोगे तो 3 मिलेगा, तो 10 डिनोमिनेटर सेम है तो उसको तो 10 ही नहीं लिखेंगे इधर, तो 7 - कौन सा नंबर करोगे तो 3 मिलेगा, तो क्या करोगे आप, 4, 7 - 4 करोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा. वैसे ही नेक्स्ट आपको दिया है बी नंबर, हियर यू हैव टू गिवन बॉक्स माइनस 3/21 इज इक्वल टू 5/21. कौन से नंबर में से 3 माइनस करोगे तो 5 मिलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो उसको तो डिनोमिनेटर में 21 लिख दो,
तो कौन से नंबर में से थ्री माइनस करोगे तो फाइव मिलेगा, तो एट माइनस थ्री करोगे तो फाइव मिलेगा, तो एट अपॉन 21 इज योर आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट इज सी नंबर, हियर यू हैव टू गिव अ बॉक्स, देन पेंटिंग मिस्टेक इज देयर सो आप प्लस रख सकते हो वहाँ पे, प्लस थ्री अपॉन सिक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन सिक्स। तो इधर कौन सा नंबर रखोगे जिसमें आप थ्री अपॉन सिक्स प्लस करोगे तो थ्री अपॉन सिक्स मिलेगा, तो जीरो भी रख सकते हो या तो जीरो अपॉन सिक्स भी रख सकते हो। वैसे ही डी नंबर आपको होमवर्क पे करना है, कौन से नंबर में फाइव प्लस करोगे तो ट्वेल्व मिलेगा, तो इधर आपका आंसर आएगा सेवन अपॉन 27। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, जावेद वॉज गिवन फाइव अपॉन सेवन ऑफ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, देन वॉट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन दी बास्केट। क्वेश्चन क्या आपको बोला इधर कि जावेद वॉज गिवन फाइव अपॉन सेवन ऑफ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, देन वॉट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन दी बास्केट। तो अगर हम कम्प्लीटली ऑरेंजेस के लिए हम पूरा पोर्शन ले लेते हैं, जैसे कि वॉल के लिए हमने पूरा पोर्शन को क्या दिया था वन, तो इधर भी पूरी जो बास्केट में जितने भी ऑरेंजेस है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो कम्प्लीटली बास्केट में है, दैट वन इज वन। सो वन माइनस क्या करेंगे फाइव अपॉन सेवन, क्योंकि वन में से उसने जो फाइव अपॉन सेवन पार्ट था वो उसने दे दिया है, तो अभी उसके पास कितने बचेंगे, सो रिमेनिंग ऑरेंजेस इन द बास्केट इज इक्वल टू वन माइनस जितनी उसने दे दी, कितनी दे दी थी फाइव अपॉन सेवन। अभी इधर ओनली वन है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप वन लिख सकते हो, वन को सेवन के साथ मल्टीप्लाई करो तो सेवन, फाइव को वन के साथ मल्टीप्लाई करो तो फाइव, बीच में माइनस है तो माइनस, दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन तो सेवन वन इज सेवन। तो आंसर क्या मिला इधर आपको टू अपॉन सेवन, दिस वन इज योर आंसर है। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.6 इन दिस योर सेम चैप्टर, बिकॉज हियर योर 7.5 एक्सरसाइज इज ऑलरेडी फिनिश्ड, सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.6। इन दैट क्वेश्चन नंबर वन, इट्स ए मीन्स यू हैव टू गिवन हियर सॉल्व, प्लस माइनस जो आपको दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिवन टू अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन सेवन। सो हियर टू अपॉन थ्री एंड प्लस वन अपॉन सेवन आपको जो नंबर दिया है उसमें आपको क्या करना है, इसका प्लस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इधर देखोगे कि डिनोमिनेटर सेम या सेम दिया है आपको, तो इधर डिनोमिनेटर आपको डिफरेंट दिया है, तो डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होता है तब आपके पास दो मेथड होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और सेकेंड वन है एलसीएम। जो भी मेथड आपको कंफर्टेबल है आप यूज़ कर सकते हो, अगर स्मॉल नंबर दिए है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी ईजी रहेगी, जैसे कि सेवन को टू के साथ मल्टीप्लाई करो, थ्री को वन के साथ, और फिर डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लीकेशन, थ्री एंड सेवन का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 21, टू का सेवन के साथ तो टू सेवन से 14, और थ्री का वन के साथ तो थ्री वन इज थ्री। तो आंसर क्या मिलेगा 14 मीन्स 14 प्लस थ्री मीन्स 17 अपॉन 21, दिस वन इज योर आंसर हियर। देन आफ्टर नेक्स्ट सेकेंड नंबर, योर सेकेंड नंबर इज देयर हियर, थ्री अपॉन टेन प्लस सेवन अपॉन 15। इधर आपको जो नेक्स्ट मेथड मैंने आपको समझाई थी, जैसे कि बोला था कि आपके पास दो मेथड होती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो मैंने आपको इधर समझाई, इधर मैं अभी आपको एलसीएम वाली मेथड समझाती हूँ। तो जो जो भी डिनोमिनेटर दिए दोनों के क्या फाइंड आउट करो, एलसीएम फाइंड आउट करो। तो दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं, तो फाइव के, तो फाइव टू ज़ा टेन एंड फाइव थ्री ज़ा थर्टीन, टू वन इज़ टू एंड दिस थ्री एज इट इज़ नाउ थ्री वन इज थ्री। सो एलसीएम क्या मिला, फाइव मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, फाइव टू ज़ा टेन, थ्री ज़ा थर्टी, दिस वन इज़ एलसीएम। थर्टी अगर एलसीएम है तो थ्री अपॉन टेन में टेन को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो थर्टी मिलेगा, तो थ्री से,
तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा, प्लस 7 अपॉन 15 है, तो 15 को कौन से मल्टी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मिलेगा, तो 15 टू ज़ा 30 वही नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 3 थ्री ज़ा 9 अपॉन 30 प्लस 7 टू ज़ा 14 प्लस सॉरी अपॉन 30। ये मेथड हम क्यों करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अभी क्या करो, ऊपर ऊपर का सबका प्लस करो और डिनोमिनेटर में जो सेम नंबर है उसको वन टाइम लिखो। तो 9 प्लस 14 कितना मिलेगा आपको इधर, 23 अपॉन 30, दिस वन इज योर आंसर। इधर आप दोनों में से कोई भी मेथड, आपको जो भी कंफर्टेबल है आप यूज़ कर सकते हो। वैसे ही सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर, एफ, कौन से एग्जांपल होमवर्क में करने हैं, तो सी डी ई एफ वो 4 एग्जांपल आपको होमवर्क में करने हैं। इसके बाद जी नंबर, जी नंबर में आपको माइनस दिया है, जी एंड एच में आपको सब्ट्रैक्शन दिए है, तो 3 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 3, सेम मेथड आएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तो एलसीएम जो भी आपको फाइंड आउट करना है आप कर सकते हो। तो 4 1 इज 4, क्योंकि 4 और 3 कोई सेम टेबल में नहीं आएंगे, 3 एज इट इज़ और 3 1 इज 3, सो एलसीएम क्या मिला आपको, 4 3 ज़ा 12 मिला। तो इधर आप 12 एलसीएम मिला, तो 3 अपॉन 4 को 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और 1 अपॉन 3 जो है तो 3 को 4 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इधर। अदरवाइज आप इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हो, तो 3 3 ज़ा 9 अपॉन 12 माइनस 4 1 इज 4 अपॉन 12, दोनों का ऊपर ऊपर का सब्ट्रैक्शन दिया है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करो और डिनोमिनेटर वन टाइम, 9 माइनस 4 क्या मिलेगा, 5 अपॉन 12, दिस वन इज योर आंसर। वैसे ही जी नंबर, एच नंबर में 5 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 3, दैट वन यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। नाउ आई नंबर, 2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2, नाउ इन दैट यू हैव टू गिवन 3 डिनोमिनेटर। सो सेम मेथड, मेथड में कोई चेंज नहीं है, बट इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कर पाओगे तो आप इधर क्या करोगे, पॉसिबल है बट वो थोड़ी लेंथी मेथड हो जाएगी। इससे बेटर है कि आप क्या करो, इधर एलसीएम फाइंड आउट करो 3 4 एंड 2 का, तो 3 4 एंड 2 का एलसीएम फाइंड आउट करो। कोई भी तीनों नंबर कोई टेबल में नहीं आते तो दो नंबर के लिए आप सोचो, 4 एंड 2 के लिए, 2 के टेबल में आएंगे, 2 टू जो 4 एंड 2 1 इज 2, नाउ अगेन 2 1 इज 2, नाउ 3 1 इज 3, सो क्या मिला एलसीएम, 2 टू जो 4 3 जो 12, दिस वन इज योर एलसीएम। 12 एलसीएम मिला, सो 2 अपॉन 3, 3 को 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, वैसे 4 को 12 करने के लिए 4 3 जो 12 तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 अपॉन 2 है तो 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा, तो 2 सॉरी 12 मिलेगा, तो 2 6 जो 12 तो ऊपर भी क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 6, 2 4 जो 8 अपॉन 12 प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 12 प्लस 6 1 इज 6 एंड 6 2 ज़ा 12। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जितने भी नंबर दिया है उसका प्लस माइनस जो भी आपको ऑपरेशन दिया है दैट वन यू हैव टू डू हियर। सो 8 प्लस 9 कितना मिलेगा, 17, 17 प्लस 6 23 अपॉन 12, दिस वन इज योर आंसर। अगर कट होता है तो आपको करना है, कट नहीं होता है तो वो सेम आपका आंसर है। वैसे ही जे नंबर यू हैव टू डू इन योर होमवर्क, वही ये वाली सेम मेथड है जो आपको होमवर्क में करना है। देन आफ्टर के, वन एंड मिक्स फ्रैक्शन यू हैव टू गिवन, 1 अपॉन 3 प्लस 3 एंड 2 अपॉन 3 सो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया है उसको आप क्या कर दो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। सो वो आपको ऑलरेडी आता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 इज 3 और उसमें जो ऊपर नंबर दिया है न्यूमरेटर उसको प्लस करना है, तो 3 1 इज 3 प्लस 1 कितने मिलेंगे, 4 अपॉन डिनोमिनेटर 3 एज इट इज़, तो 4 अपॉन 3 प्लस 3 3 जर 9 प्लस 2 कितने मिलेंगे, 11 अपॉन 3। अभी डिनोमिनेटर इधर सेम है तो आप क्या करो, ओनली डिनोमिनेटर वन टाइम लिखो और ऊपर जितने भी नंबर है दोनों का प्लस दिया है तो प्लस करो और माइनस दिया है तो माइनस करो, 4 प्लस 11 कितने मिलेंगे, 15 अपॉन 3, तो 15 अपॉन 3 मीन्स आंसर क्या मिलेगा आपको, 5 ओनली। वैसे ही नेक्स्ट
एल नंबर आपको होमवर्क में करना है। अगर डिनोमिनेटर इधर सेम दिया है, सेम नहीं मिलता है, तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करके सॉल्व कर सकते हो आप। वैसे ही एम एंड एन, एम नंबर में डिनोमिनेटर सेम दिया है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, एन नंबर में डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू वी हैव टू लर्न इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।